आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ। आपने 3 साल पहले कहा था कि अगर हमको कोई रिप्लेस कर सकता है तो 2 स्टार हैं, एक रणबीर कपूर और दूसरे इमरान। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था सर। तो ये तस्वीरें सर, अभी हमको अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सर हम खुद हैं। जैसे अगर गब्बर सिंह को कोई मार सकता है तो गब्बर खुद है। तो ये ऐसा मुझे अभी ये फीलिंग आ रही है। रणबीर ने ऐसा क्या किया कि उसको लेकर आपने इरादा बदल दिया? सर, रणबीर ने ऐसा कुछ नहीं किया सर। इनफैक्ट बहुत अच्छा काम करता है दोनों, इमरान और रणबीर। और एक रणवीर भी आया सर, रणबीर। हाँ, रणबीर सिंह। तो ये लड़के हैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम करते हैं सबके सब। एवरी जो हमारे जो फिल्मों के अंदर जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बॉडी हो, लुक्स हो, डांसिंग टैलेंट हो, एक्टिंग परफॉर्मेंस, कॉमेडी एक्सेट्रा, वो सब इन लड़कों में है। मैं रणबीर कपूर की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं और मैं इन सबको एक ही मैंने सुना कि एक बार एक रेस्टोरेंट में आपने उसको थोड़ी डांट भी लगाई थी, धमकाया था। नहीं सर, डांट अभी तक नहीं लगाई सर। आई होप कभी नहीं लगाना पड़े सर मुझे। मुझे ऐसा कभी लोगों ने देखा कि आप उनके स्लीव पकड़ के? नहीं सर, मैं उनका हाथ पकड़ के उसको ना रास्ता दिखा रहा था मैं। लेकिन वो सब उस तरह के काम कर रहे हैं जो आपने किए थे जी। नहीं, क्या हुआ था कि एक वहाँ पे उनके टी शर्ट के ऊपर कोई टैग वैग था, तो मैंने उसको टैग ऑन योर टी शर्ट, मुझे पता नहीं था कि ये रणबीर है जब यंग। तो फिर बाद में संजू और मैं दोनों साथ में थे वहाँ पर, तो बाद में पता चला कि ये चिंटू साहब के बेटे हैं। तो फिर संजू इंटरफियर है कि हाउ कैन यू ब्रो, यू कैन योर चिंटू सन है ना। तो मैं जाके वो निगाह से टैग, अब मुझे थोड़ी पता था कि वो कोई स्टाइलिश वो कुछ है, तो मैं निकाल के फेंक दिया उसको। होता ना जैकेट्स के ऊपर लगा होता है कि वो तो लेबल, तो लेबल निकाल के फेंक दिया मैंने। वैसे ऐसे ही निकल गया वो। तो वो था, उसके बाद मुझे पता नहीं वो प्रेस में कहाँ से आ गया, क्योंकि संजू में और वही थे, तो ना संजू ने बात की, हमको तो याद भी नहीं था। ये तो साफ हो गया कि कैसे प्रेस में आया। जी हाँ, तो ये सब चीज़ें आती कैसे हैं प्रेस के अंदर, वो मुझे पता लगाना है सर। एनी आइडियाज़?